नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अन्य देशों के साथ कन्वर्सेशन में कमी की खबरों के विपरीत विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि मोदी सरकार के इस निर्णय के पीछे की वजह दुनिया को पहले ही अवगत करा चुकी है। वो दुनिया को पहले ही बता चुके हैं और विदेशियों को भी पहले ही बता चुके हैं कि क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर भारत चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कई तरीके अपनाए गए हैं। इस विषय पर सवाल करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ऐसी खबरें सामने आई थी, ये गलत है। हमने सभी देशों से पहुंच बनाई है, हमने अपने मिशन और पोस्ट को लिखा और उन्हें मेजबान सरकारों के साथ CA और NRC पर अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए कहा। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सभी भारतीय मिशन और पोस्ट यानी पदाधिकारियों को इस मुद्दे की संवेदनाशीलता से परिचित कराया गया कि देश की राजधानियों तक पहुंच बनाने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन करें। ऐसा अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद भी किया गया था, अयोध्या फैसले के बाद भी ऐसा किया गया और नागरिकता संशोधन कानून के बाद भी ऐसा ही किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने विस्तार से बताते हुए कहा, हमने उनसे कुछ चीजें शेयर करने को कहा था। पहला कि ये भारत का आंतरिक मामला है। दूसरा, हमने उनसे ये बात करने के लिए कहा कि ये अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए है। तीसरा, हमने उन्हें ये भी अवगत कराया कि अन्य समुदाय जो भारत की नागरिकता चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध विकल्पों को ये कानून प्रक्रिया और प्रभावित नहीं करता है। चौथा, आस्था के आधार पर किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। और आखिरी, ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे को भी प्रभावित नहीं करता है। आपको बता दें, CA को लेकर तीन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों तक सीमित रखने के सवाल सूत्रों ने कहा कि ये भारत के निकटवर्ती देश हैं जहां से अल्पसंख्यक भारत में आए हैं। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है, जो भी देश इस मसले पर स्पष्टता चाहता है उस देश के साथ बेहतर समझ कायम करने के लिए भारत इस मामले पर सूचनाएं साझा करने को तैयार है। रवीश कुमार ने कहा, भारत ने उन सभी मुद्दों को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया है जिनके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दो स्तरीय रणनीति अपने नाते हुए विदेश मंत्रालय ने यहाँ मौजूदा राजदूतों के अलावा दूसरे देशों में अपने राजदूतों के माध्यम से संवाद कायम करने की पहले ही ये कोशिश कर चुके हैं। SPN 9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।